आदाब मुंसिफ जोहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। दर्शकों के लिए खुशखबरी है, आपका पसंदीदा चैनल मुंसिफ टीवी न्यूज अब हैथवे पर भी उपलब्ध है। इसे सब्सक्राइब करने के लिए महज आपको नीचे दिए गए नंबर पर सब्सक्राइब करना होगा। याद रहे, यह सेवा सभी यूजर्स के लिए बिल्कुल मुफ्त है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर अब हेडलाइंस पर। पाकुड़ में नगर थाना के सामने दो गुटों में हुई जमकर झड़प, पत्थरबाजी में पुलिस को लगी चोट, अब हुई एफआईआर दर्ज। जामताड़ा में नई नियोजन नीति के खिलाफ युवाओं ने किया प्रदर्शन, लगाया आरोप, नीति युवाओं की राय ले बगैर बनाई गई। तमिलनाडु की घटना पर प्रशांत किशोर ने दी चुनौती, कहा वीडियो मैंने भी ट्वीट किए, फेक है तो गिरफ्तार करें। भागलपुर कलेक्ट्रेट के सामने अल्पसंख्यक अधिकार मंच का धरना, फैज अहमद ने कहा उर्दू के साथ सौतेला व्यवहार। अब खबरें विस्तार से। धनबाद एकड़ा वासुदेवपुरी कोलियरी के प्रांगण में जनता मजदूर संघ के द्वारा मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मिलन समारोह में एकड़ा निवासी सत्येंद्र केवट के नेतृत्व में सैकड़ों समर्थकों के साथ जनता मजदूर संघ का दामन थामा। वही जनता मजदूर संघ के महामंत्री रागिनी सिंह ने सत्येंद्र केवट, अजय रवानी, शोले मल्ला, गरीबन यादव, सुरेश मल्ला, गोविंद पासवान, राजू पासवान सहित दर्जनों लोगों को जनता मजदूर संघ की सदस्यता भी दिलाई। कार्यक्रम के विषय में बताइए। देखिए, कार्यक्रम आज मुख्य रूप से जनता मजदूर संघ और भाजपा पे यहाँ सैकड़ों युवा साथी आस्था जताई है। मैं तहे दिल से सभी को स्वागत अभिनंदन करती हूँ और सबने सिंह मेंशन परिवार पर विश्वास जताया है। बहुत जगह से लोगों ने उम्मीद दिया और बहुत जगह से झारखंड सरकार की नई नियोजन नीति के खिलाफ जामताड़ा के नारायणपुर में युवाओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। गौरतलब है कि 16 दिसंबर 2022 को झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन सरकार द्वारा फरवरी 2020 में लाई गई नियोजन नीति को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यह संविधान सम्मत नहीं है। नई नियोजन नीति में 40% सीट ओपन फॉर ऑल कर दी गई है। युवा इसे लेकर काफी अब आक्रोशित है। सरकार की तरफ से कहा गया था कि नियोजन नीति युवाओं की राय लेकर बनाई गई है, जबकि युवाओं की तरफ से अब यह कहा जा रहा है कि यह सिर्फ छलावा और धोखा है। बिलोंग करता हूं और झारखंड सरकार, जेएमएम सरकार जिस तरह से झारखंड युवाओं को ठगने का काम किया है और जिस तरह से 40 और 60 का नियोजन नीति ला करके यहाँ के युवाओं का धोखा देने का काम किया है, इसका हम लोग पूर्वजोर विरोध करते हैं और आने वाले दिनों में 2-4 दिन में हम लोग यहाँ संगठन तैयार कर रहे हैं और संगठन बना करके इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे और आने वाले जो इलेक्शन होगा उसमें उसको ये बताया जाएगा कि आप युवाओं के साथ यदि धोखा करते हैं तो आपके साथ भी धोखा होगा। पाकुड़ जिले में झड़प के दौरान पुलिस पर ही हमला हो गया। पाकुड़ में दो गुटों में झड़प चल रही थी, ग्रामीणों का पथराव जारी था, पुलिस पर भी पथराव हुआ। जिले में नगर थाना क्षेत्र के किताझोर और कूड़ापाड़ा मोहल्ले के लोगों के बीच जमकर हंगामा हुआ। मामले में हस्तक्षेप करने पहुंचे नगर थाना में पदस्थापित सहायक अवर निरीक्षक उपेंद्र प्रसाद यादव पर लोगों ने पथराव कर दिया, जिस कारण वो गंभीर रूप से घायल भी हो गए। घायल एएसआई को इलाज के लिए पाकुड़ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। हम लोग कुछ पहले पूरा थाना के सब को गए थे कूड़ा पड़ा, वहाँ से समझा बुझा करके सर हम यहाँ लौटे, थाना लौटे, थाना जैसे ना लौटे कि वो लोग पीछे से सब चीज़ लेकर के बहुत सा दोनों पार्टी में से दोनों पार्टी की यहाँ मैं दोनों पक्ष का पार्टी है तो वो लोगों को बोला गया क्या। धनबाद अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन हीरक शाखा द्वारा गोविंदपुर रोड आपनों घर में सामूहिक विवाह आयोजन किया गया, जिसमें 11 जोड़े बंधेंगे परिणय सूत्र में, आशीर्वाद देने पहुंचे। बताते चले आपको कि मारवाड़ी महिला सम्मेलन हीरक शाखा के द्वारा पूरे विधि विधान के साथ विवाह कराया जा रहा है। इस दौरान मारवाड़ी महिला की ओर से यह आयोजन किया गया। इस शादी समारोह में प्रदेश के कई गणमान्य लोग भी उपस्थित होकर अपना सहयोग करते नजर आई। एक सामाजिक कार्य है जिसके लिए समाज को एक अच्छा संदेश दिया जा रहा है। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, यहाँ शिव जी दरबार,
शीतला माता का यहाँ पे हुआ स्थापना, गणेश जी हैं, बालाजी हैं, और आज 11 जोड़ों का हीरक सखा शादी करवा रही है मारवाड़ी महिला समिति। धनबाद निरसा विद्या सभा अंतर्गत कुमार धूबी में राहगीरों को जाम से निजात दिलाने के लिए रेलवे और झारखंड सरकार द्वारा निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन अभी तक नहीं हुआ है। इधर मैथन मोड़ समीप ओवरब्रिज से रोड निकल जाने से राहगीरों ने संवेदक की कार्यशैली पर अनियमितता बरतने का आरोप लगाया है। राहगीरों का कहना है कि उद्घाटन पूर्व ही रोड निकल आना संवेदक की लापरवाही को दर्शाता है। इसी ओवरब्रिज में भारी वाहनों सहित सैकड़ों छोटे बड़े वाहनों का आना जाना रहेगा। इस तरह की लापरवाही राहगीरों की जान से खेलने जैसा है। देखा जाए कि यहाँ का समाज के लिए बहुत ऐसा खुशखबरी का बात है, बहुत ऐसा आपका सौगात का बात है कि सौगात मिला गया है, लेकिन पुल में बहुत ऐसा बर्बरता के मतलब ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण से नीचे आप जाके देख सकते हैं कि रड निकला हुआ है। इसमें आपका सही ढंग से सही तरीका से इसमें ध्यान नहीं दिया गया। काम तो खैर बहुत अच्छा किया, समाज के लिए सौगात मिला गया यहाँ का, जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम से यहाँ का निजात पिया गया, लेकिन यहाँ का जो रड। हंटरगंज प्रखंड के ग्राम देवरिया स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 22 और पवित्र निरंजना नदी के तट पर अवस्थित मदरसा अशरफुल उलूम देवरिया में कल रात्रि में जलसा अजीमुशान और दस्तार बंदी का भव्य आयोजन किया जाएगा। नाज़िम आला मोहम्मद सलमान इब्ने मौलाना अब्दुल्ला कासमी रहमतुल्लाह अलैह, इस मदरसे का मैं एक खादिम हूँ और ये मदरसा तकरीबन 50 साल पुराना पवित्र निरंजना नदी के और ये कायम उपस्थित है, और ये इदारा एक इल्मी और तालीमी चिराग को रोशन कर रहा है, जिसके फारिगीन हुफाज मुल्क और बैरून मुल्क में अपनी तालीमी और माशी खिदमात को अंजाम दे रहे हैं। और इसी कड़ी को बिहार के भागलपुर में भाजपा के क्षेत्रीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के कई दिग्गज नेताओं के साथ साथ नवनियुक्त 13 जिला अध्यक्ष भी मौजूद रहे। ये बैठक मुंदीचक की आस्था गार्डन में किया गया। इस बैठक के दौरान करीब 400 कार्यकर्ताओं ने इसमें हिस्सा लिया। बैठक के दौरान सभी पौधों में मजबूती लाने को लेकर 2024 और 25 के चुनाव को लेकर कई बिंदुओं पर महत्वपूर्ण बातचीत की गई। आज संगठनात्मक बैठक में अपने सभी कार्यकर्ताओं को संगठन के हित में काम कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की भाव से कदम बढ़ा रहा है। 2024 और 25 की तैयारी हम लोग शुरू से कर रहे हैं, हमारा हमेशा संगठनात्मक। अजगैबीनाथ धाम में समाज सेवी पंकज पासवान द्वारा गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा वापस लाने के लिए 12 मार्च को दिल्ली तक पैदल यात्रा का शुभारंभ स्थानीय विधायक ललित नारायण मंडल ने हरी झंडी दिखाकर किया। रेलवे स्टेशन की धरोहर संपत्ति गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा जो फिलहाल लंदन में है, उसे वापस लाने के लिए अजगैबीनाथ मंदिर से दिल्ली तक प्रधानमंत्री मोदी के दफ्तर तक 12 मार्च को यह पैदल यात्रा का शुभारंभ स्थानीय विधायक ने नारियल फोड़कर हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा को रवाना किया है। आप लोग जागिए और क्या, जो इसमें जो भी अपना देश का जो चीज जो लेके गया उसका मांग कीजिए, यही मेरा से संदेश रहेगा। आजादी से पहले जो भी सामान लेके गया है उसको अपने अपने स्तर से मांग कीजिए, उसको यही मेरा संदेश होगा। क्लियर। भागलपुर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 के उपलक्ष्य में जीवन जागृति सोसाइटी के महिला प्रकोष्ठ के द्वारा अंगभूमि महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। विवाह भवन में यह समारोह हुआ। इस कार्यक्रम में शहर की महिला उद्यमी, सामाजिक चिकित्सक, हस्तकला, उत्कृष्ट नर्सिंग, अन्य विशिष्ट कार्य क्षेत्र, फाइन आर्ट्स, सामाजिक महिला शिक्षिका को अपने क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने को लेकर सम्मानित किया गया। आज जीवन जागृति सोसाइटी के महिला प्रकोष्ठ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे महिला को सम्मानित करने का आयोजन रखा गया है, जिसमें हमने ऐसी महिलाओं को चुना है सम्मानित करने के लिए जो बहुत सारे क्षेत्रों में, जो उद्यमी हैं, जो कृषि पे काम कर रही हैं, जो वैज्ञानिक हैं, इनफैक्ट आईटी फील्ड में भी जो प्रोफेसर बनी हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज की प्रोफेसर हैं, हमने ऐसी ऐसी महिलाओं को चुन कर निकाला है। और हमारा मुद्दा था कि हम ऐसी बिहार की सीवान पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जिले के बगोना पंचायत के मुखिया कुसुम देवी के घर के पास से अपराध की योजना बना रहे 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। अपराधियों के पास से 3 पिस्टल के साथ 8 जिंदा गोली बरामद हुई। तीनों अपराधियों का पहले से ही आपराधिक इतिहास भी रहा है।
कल हुसैनगंज थाना को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ अपराधकर्मी अपराध की योजना बना रहे हैं। सर, सूचना के आधार पर हुसैनगंज थाना प्रभारी और इंस्पेक्टर मुफस्सिल और सराय थाना प्रभारी के द्वारा एक टीम बनाकर छापामारी की गई। सूचना के आधार पर बघौना मुखिया ज्योति देवी के घर के पास से 3 अपराधकर्मी पकड़े गए, जिनके पास से 3 पिस्टल, 7-8 गोली बरामद किया गया। भागलपुर आबकारी विभाग के द्वारा आए दिन भागलपुर के कई क्षेत्रों में छापेमारी की जा रही है। इसको लेकर आज भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र के पासी टोला मोहल्ले में आबकारी विभाग के द्वारा शराब को लेकर दोपहर को छापेमारी करने के लिए एक टीम गई हुई थी, जिसको लेकर मोहल्ले के लोग और महिलाओं के द्वारा छापेमारी का विरोध किया गया, जिस क्रम में दोनों तरफ से झड़प हुई, जिसमें आबकारी विभाग के द्वारा लाठी डंडा चार्ज करने के दौरान कुछ महिलाएं घायल भी हो गई। साथ ही साथ आबकारी विभाग के 3 सिपाही भी घायल हुए। पहले बनते थे जो बनाते उसको ना पकड़ेंगे, सबको क्यों पकड़ेंगे, सबको क्यों मारेंगे? कौन मारा? पुलिस मारे हैं। लेडीज नहीं थी, नहीं था सर्जेंट, पुलिस घुस करके दरवाजा मार मार दौड़ दौड़ कर सबको मारा है। अचानक मारा है, बोल रहे सर काहे के लिए मार रहे हैं, जाइएगा यहाँ से, दौड़ा दौड़ा के मारा है, घर में घुस घुस के मारा है सर। क्या कारण हुआ? कोई कारण नहीं सर, बोल रहा है कि काहे के लिए उसको मार रहे हैं, बोल रहा है कि काहे के लिए मार रहे हैं, हमारे जाइएगा दौड़ा दौड़ के मार। जनसुराज पदयात्रा के दौरान महाराजगंज में पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने तमिलनाडु में हुई घटना पर अपना बयान दर्ज किया। उन्होंने कहा कि घटना को लेकर मैंने 2 ट्वीट किए हैं, पिछले दिनों कुछ लोगों ने फेक वीडियो भी चलाए हैं, जिसमें सच्चाई यह है कि वो फेक है और उन पर कार्रवाई भी हो रही है। जिन लोगों ने फेक वीडियो चलाया है उन पर निश्चित कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तमिलनाडु में घटना हुई ही नहीं। आगे प्रशांत किशोर ने कहा कि मैंने भी 2 वीडियो डाले हैं और मीडिया के माध्यम से बिहार और तमिलनाडु पुलिस को मैं चुनौती देता हूं कि यदि मेरे द्वारा डाला गया वीडियो फेक है तो आप आकर मुझ पर कार्रवाई करें, गिरफ्तार कीजिए। मैंने उस पर 2 ट्वीट किए हैं, आपने अभी खबरों में, चूंकि आप पत्रकार हैं तो आपने देखा होगा कि कुछ लोगों ने फेक वीडियो चलाया है जिसमें सच्चाई है, उस पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन जिन लोगों ने फेक वीडियो चलाया उन पर कार्रवाई हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तमिलनाडु में घटना हुई नहीं है। जो मैंने 2 वीडियो डाले हुए हैं और आपके माध्यम से खुली चुनौती दे रहा हूँ, बिहार और तमिलनाडु पुलिस को चुनौती दे रहा हूँ कि अगर ये वीडियो में जो मैंने जो डाले हैं अगर वो फेक है, गलत है, तो आप आकर के संपर्क कर दीजिए, हम तो बैठे हुए हैं। बीती 10 जनवरी को गया शहर के डेल्हा थाना अंतर्गत हिंदुस्तान अखबार के कार्यालय के पास बालाजी नगर के समीप अमोद कुमार नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त कर ली है। गिरफ्तार युवक डेल्हा थाना अंतर्गत खुरखुरा नवादा मोहल्ला निवासी विष्णुदेव प्रसाद को पुत्र राहुल कुमार बताया गया है, जिसमें जो बच्चियों के मिसिंग होने का कांड दर्ज कराया गया था उनके परिजनों के द्वारा, और आज ये पाया गया है कि एक वहाँ पे कुआं है, उसमें उनके जो डेड बॉडी है वो पाई गई थी। जो इस मृत्यु का कारण अभी स्पष्ट नहीं है, पोस्टमार्टम के बाद ही वो स्पष्ट हो पाएगा और पोस्टमार्टम के उपरांत इसमें जो अग्रतर कार्रवाई है वो किया जाएगा। गया शहर के बुनियादगंज थाना अंतर्गत हेडमानपुर तकिया मोहल्ले के शेख बिगा चौधरी टोला में बीते 8 मार्च को नईम शाह नामक व्यक्ति की बेरहमी से पिटाई के बाद हुई मौत के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी शेख बिगा के रहने वाले हैं। इस मामले में मृतक की पत्नी तारा खातून की आवेदन पर 10 मार्च को बुनियादगंज थाने में 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया था। होली के दिन एक मोटरसाइकिल से एक व्यक्ति को ठोकर लग गया था, एक्सीडेंट हो गया था, और जिसके बाद जिस व्यक्ति को ठोकर लगा था उसके पक्ष के लोगों के द्वारा उक्त मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति के साथ मारपीट किया गया था। उसी क्रम में जो मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति है वहां पर एक व्यक्ति के घर में चला गया था बचने के लिए, परंतु जो दूसरे पक्ष के लोग थे वो उस घर में। गया जिले के वजीरगंज प्रखंड अंतर्गत केदारनाथ उच्च विद्यालय तरवा में तेलिक साहू परिवार जनप्रतिनिधि स्वागत और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों को अंगवस्त्र और माला पहनाकर उन्हें सम्मानित किया गया तथा समाज के प्रति
अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की अपील की गई। छोटा भैया जी, मैं उनको तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ, जिन्होंने गया, नवादा, झारखंड, बिहार एक कर दिए अपने समाज को एकत्रित करने के लिए। मैं बहुत बहुत तहे दिल से उनको मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप जैसे भागलपुर और इसके अलावा आसपास के क्षेत्रों में इस महीने लगातार कई हत्याएं हुई है। अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। शहर में बढ़ रहे अपराध को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक ने विशेष बैठक का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम मीटिंग में सभी वरीय पदाधिकारियों के साथ सभी थाने के थाना अध्यक्ष भी मौजूद रहे। वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने बताया कि सभी थानों में जितने भी केस अभी तक निष्पादित नहीं किए गए उन पर जल्द से जल्द उनका संज्ञान लिया जाए, उन पर कार्रवाई की जाए। भागलपुर नगर निगम भागलपुर में वार्ड नंबर 25 के पास आज गोविंद बनर्जी ने एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन करते हुए नगर निगम के रवैये पर सवाल या निशान खड़ा किया, आवाज बुलंद की। उन्होंने कहा वार्ड नंबर 25 में एक शौचालय की स्थिति जर्जर थी, जिसे उन्होंने खुद की राशि से दुरुस्त करवाया, मरम्मत करवाया। आदेश वर्तमान नगर आयुक्त श्याम बिहारी मीणा के द्वारा मुझे दिया गया था, लेकिन अभी तक उसकी राशि नहीं मिल रही, जिसको लेकर आज हम लोगों ने सांकेतिक एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया। भागलपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में आज अल्पसंख्यक अधिकार मंच की तरफ से एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन में सभी प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही उन्होंने केंद्र की सरकार को पूर्ण रूपेण फेल भी बताया। फैज अहमद ने बताया कि सरकार अल्पसंख्यकों के साथ सौतेला सुलूक कर रही है, उर्दू भाषा को उदासीन नजरों से देखा जा रहा है, सरकारी कार्यालयों में उर्दू जानकारों की बहाली भी नहीं हो पा रही। अल्पसंख्यक समुदाय की समस्याओं के निदान हेतु आज एक दिवसीय धरना दिया गया। भागलपुर सांसद अजय मंडल ने आज भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय मायागंज अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सभी विभागों में जाकर बारीकी से जांच की। वहीं उन्होंने हर विभाग में त्रुटियां भी पाई, जिसको लेकर कई विभागों के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। सांसद ने कहा जल्द इसे दुरुस्त करें वरना होगी कार्रवाई। साथ ही साथ विभाग में कई तकनीकी प्रशिक्षक नहीं थे, वहीं कई विभागों में चिकित्सकों की कमी भी पाई गई। हम तो फोन तो सभी का उठाते हैं, कुछ लोग यहाँ से टेलीफोन किए, समस्या डेली समस्या मिलता था और यहाँ बार बार हम टेलीफोन करके हॉस्पिटल को उस समस्या से समाधान व्यक्तियों का करने के लिए कहते रहे। आज देखें जटिल समस्या। और अंतिम क्षणों में एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। पाखुड़ में नगर थाना में आमने सामने दो गुटों में हुई जमकर झड़प, पत्थरबाजी में पुलिस को लगी चोट, FIR दर्ज। जामताड़ा में नई नियोजन नीति के खिलाफ युवाओं ने किया प्रदर्शन, लगाया आरोप, नीति युवाओं की राय लेकर नहीं बनाई गई। तमिलनाडु की घटना पर प्रशांत किशोर ने दी चुनौती, कहा मैंने भी वीडियो ट्वीट किए, फेक है तो गिरफ्तार करें। और भागलपुर कलेक्ट्रेट के सामने अल्पसंख्यक अधिकार मंच का धरना, फैज अहमद ने कहा उर्दू के साथ सौतेला सुलूक। एक बार फिर आपको जानकारी दे दें, खुशखबरी है, आपका पसंदीदा चैनल मुंसिफ टीवी न्यूज अब हैथवे पर भी उपलब्ध है। इसे सब्सक्राइब करने के लिए महज आपको नीचे दिए गए नंबर पर सब्सक्राइब करना होगा। याद रहे यह सेवा सभी यूजर्स के लिए बिल्कुल मुफ्त है। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज़ आदा।